दूध वाली चाय होती है ना, चाय यस पहाड़ी स्टाइल चाय। आंटी आपकी शॉप है और घर भी है यहाँ आपका? घर भी नीचे है। नीचे कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे प्राणी। ये देखिए प्राणी यहाँ पे सोया है और पता मेरे मुट्ठी में आ गया है, ये नहीं आ रहा। देखा देखा आपने कितना ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए चाय पियेंगे आंटी के छोटे से टी स्टॉल से। तो यहाँ पे बजे हैं सुबह के 6 और बिना चाय पिए तो हमारी सुबह की शुरुआत नहीं होती है। तो और आपको मैंने बताया था कि मुझे जो होटल की चाय होती है ना, वो पाउडर वाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे पास में होटल के पास, जो एक शॉप थी एक आंटी की, उनके यहाँ चाय पीने के लिए। तो काफ़ी इन्जॉय किया और मन्नत ने कल से दूध नहीं पिया था क्योंकि वो बॉटल में ही दूध पीता है। तो यहाँ पे मैंने उसको बहुत जो है ना पटा पटा के ग्लास में दूध मैंने उसको पिला दिया था। और आदि ने यहाँ पे लिए थे एक फ़ैन, लिया उसने 4 लिए थे बट सारे वापस कर दिए, पर एक ही खा पाया वो। क्योंकि फ़ैन बने होते हैं घी होता है, एक होता है देसी घी और दूसरा घी होता है ना उसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उस घी के बने होते हैं ना तो मुंह में चिपक जाते हैं। मुझे भी सेम यही है कि वो घी हम कभी खाया नहीं है तो जब भी उसका कुछ खाते हैं तो मुँह में चिपक जाता है। सेम आदि को प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने वो वापस कर दिया। और ये है पहाड़ी डॉगी, तो मुझे बहुत डर लगता है पहाड़ी डॉगी से क्योंकि बहुत ख़तरनाक होते हैं और पहाड़ों में रहते हैं तो जंगली जानवरों को भी काटने का जो है ना उनके पास हुनर होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मेरा फ़ोन जो है नीचे गिर गया और काफ़ी क्रैक आ गए थे उसमें। तो व्यू देखिए, रोड देखिए आप कितनी खूबसूरत है। हम वहाँ गए वापस चाय पी के और 1 घंटा हम घूमे हैं, 9 बजे तक हम वापस आए, एक नहीं बल्कि 2-2.5 घंटे हम घूमे और 8:45-9 के करीब हम आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने होटल में अपने। और बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना चलेंगे कहीं घूमने के लिए। यहाँ पे मन्नत बहुत जिद कर रहा है और उन्हीं की बात सुनता है, उन्हीं से जिद करता है हर चीज़ के लिए, उन्हीं पे डिपेंड रहता है वो, तो वही उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है निकल पड़े थे और हम आ गए थे कैंप्टी फॉल पे। तो ये ऊपर का नज़ारा है कैंप्टी फॉल के, तो जिसने नहीं देखा तो देख सकते हैं बहुत दूर से, बहुत ऊपर से पहाड़ से ही पानी आता है, ये नेचुरल पानी होता है। और जब ये ऊपर से आता है तो यहाँ पे एक झरना है जिस पे अभी हम नीचे जाएंगे और इतनी तेज़ी से, मतलब यहाँ से दिख रहा है कि थोड़ा सा पानी है लेकिन जब हम नीचे जाते हैं ना इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, वो कैंप्टी फॉल बोलते हैं उसको, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और देख सकते हो आप दूर से कितना छोटा सा पानी दिख रहा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा ही ना आगे जाके तूफ़ान बन जाता है। तो हम दिखाएंगे और हमने किया वहाँ पे फुल इन्जॉय। यहाँ पे हम लोग उतर गए पानी में और मन्नत जो है ना, मन्नत को बहुत ठंड लग रही थी लेकिन हमें तो इन्जॉय करना था, मेरे बेटे ने और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, सीधा चलती हूँ आपको कैंप्टी फॉल में लेके और अपने साथ साथ आपको भी कराती हूँ मैं यहाँ के जो भी है दर्शन यहाँ पे जो भी इन्जॉय हमने किया आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी मन करे और कुछ दिनों में आप जल्दी से प्लान करें और अपनी गाड़ी ट्रेन जो भी यहाँ पे आता होगा बस वगैरह उन सबको बुक करें, बैठें और यहाँ पे पहुँच जाएं क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे आने का बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट से मुझे इन्जॉय करने दीजिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने दीजिए। Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हम इतना नहाए इतना नहाए कि हमें इतनी ज़ोर से भूख लगी ना कि हम यहाँ से फिर सीधा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चल के ना बाहर एक रेस्टो था, हम उसी में बैठ गए कि हमें खाना खाना है, क्योंकि टाइम भी हो गया था लंच का और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो बहुत तेज़ कहते हैं ना भूख लगती है, और यहाँ तो हम नहाए तो क्या थे, यहाँ तो हम पूरा डूबे हुए थे पानी में। एक दो घंटे से ज़्यादा हम पानी के अंदर रहे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। और अब यहाँ पे खाना खाएंगे, सीधा चलेंगे होटल में, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी छोटी सी वाइटी फैमिली, और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस फैमिली में बहुत सारे लोग और जुड़े। तो प्लीज़ मेरी मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को करूँगी मैं अभी यहीं पर एंड। खाना खा लेते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी आदत है कि जब भी बर्तन वगैरह आते हैं टिश्यू पेपर से, हम लोग स्पून वगैरह सब साफ़ करते हैं, प्लेट वगैरह, तब भी जाके खाना खाते हैं। पता नहीं क्यों है लेकिन आदत है यार। तो यहाँ पे कढ़ाई पनीर जो मेरे बेटे का फेवरेट है, और हमारी जो है ना पहाड़ी दाल हमने ऑर्डर की थी, हमें वो पसंद है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे लंच, और फिर आगे चलेंगे, आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट से करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं और वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.